हमारी राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में हर तरह के लोग आपको आसानी से मिल जाएंगे, इसीलिए दिल्ली किसी मिक्स खिचड़ी से कम नहीं है। हर वक्त स्वाद और तीखा जायका लोगों की जुबान पर रहता है, और इसी बात को अमल में लाते हुए हर साल प्रगति मैदान में 5 दिनों तक चलने वाले आहार मेले का आयोजन किया जाता है, जो नए स्वाद की तलाश वाले लोगों के लिए सबसे अच्छी जगह है। मैं हर साल आता हूँ यहाँ पर लगभग, और इस बार मैं आया हूँ कुछ नए तरह के डिज़ाइंस देखने के लिए। काफ़ी साल से मैं, करीबन 4-5 साल से मैं यहाँ आ रहा हूँ, और हर साल मैं नए नए तरह की चीज़ें यहाँ पर देखता हूँ, और अपने कंपनी के लिए नई नई तरह की चीज़ें यहाँ से लेके जाता हूँ, कभी वुडन का कभी कुछ का। इस बार मैं शेफिंग डिशेस के ऊपर थोड़ा काम कर रहा हूँ, तो मैंने काफ़ी शेफिंग डिश देखी हैं, अभी हाइड्रोलिक शेफिंग डिश देखी है मैंने, बहुत अच्छी दिखी है मुझे, तो मैं उसको लेके जा रहा हूँ। जब ये मेला लगता है तो प्रगति मैदान की दहलीज पर कदम रखते ही आपको यहाँ की सजावट लुभा सकती है, क्योंकि आहार मेला एक ऐसा मेला है जहाँ एक ही छत के नीचे कई तरह के व्यंजनों का स्वाद लिया जा सकता है। यह मेला 5 दिनों तक चला, जिसमें कई स्वदेशी और विदेशी कंपनियों ने भाग लिया, साथ ही अपने उत्पादों के बारे में भी बताया। We are producing coffee in our factory in itself, and we are very much expert in the raw coffee for the exports. For all products, we are basically preparing for the exports 90%. Now this year we have just started, you know, in India market, the domestic, and we have launched our Octavius brands. We are very particular about the quality. If anybody is asking us for a reduction in price or anything, we are not ready to compromise on the quality. So, I mean, our basic aim right now is to maintain our quality. प्रगति मैदान में इस आहार का आयोजन इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन साल 1995 से कर रहा है। इस मेले में फल, सब्जियों, डेयरी, बेकरी, ऑर्गेनिक और स्वास्थ्य उत्पादों से जुड़े व्यवसायों की प्रदर्शनी के अलावा मशीनरी उद्योग से संबंधित स्टॉल भी लगते हैं। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण यानी एपिडा हर साल ऐसे मेलों का आयोजन करके इस कारोबार को बढ़ाने का काम कर रही है, चाहे वो अपने देशों की कंपनी के साथ हो या विदेशी कंपनियों के साथ। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय एपिडा और ITPO के सहयोग से आयोजित इस मेले में सैकड़ों से ज्यादा प्रदर्शक हिस्सा लेते हैं, जिसमें विदेशी भागीदार भी शामिल हैं। इसमें US, चीन, कनाडा, जर्मनी, इटली, स्विट्जरलैंड, रूस, पोलैंड और लेबनान जैसे और भी कई देश शामिल होते हैं। एपिडा का जो मुख्य काम है वो है देश से कृषि और कृषि उत्पादों के निर्यात को बढ़ाना, और आपको जानकर खुशी होगी कि आज हम दुनिया के 7वें नंबर पर आते हैं जो निर्यात करते हैं कृषि और कृषि उत्पाद, और दुनिया में जो टॉप 10 कंट्रीज़ जैसा मैं जिक्र कर रहा हूँ उसमें भारत का नाम आता है, और शायद ही कोई ऐसा उत्पाद है जो हम निर्यात नहीं कर रहे। आज भारत का व्यंजन जो है वो दुनिया भर में लोग उसको पसंद कर रहे हैं। ये जो एग्ज़िबिशन लगी है, आहार एग्ज़िबिशन, इंटरनेशनल एग्ज़िबिशन है, इसमें एपिडा ने एक बहुत बड़ा एरिया लिया है, और यहाँ पर हमारे जो मेंबर्स हैं, एक्सपोर्टर्स हैं, वो अपने उत्पाद की प्रदर्शनी लगा रहे हैं। आहार में हर तरह की कंपनियाँ भाग लेती हैं, चाहे कंपनी छोटी हो या बड़ी, सभी कंपनियाँ लोगों को अपने प्रोडक्ट्स के बारे में जानकारी दे रही थी। लेकिन आमतौर पर कंपनियों की इस भीड़ में एक आध कंपनी जरूर रहती है जो थोड़ा अलग ही नजर आती है। अब जैसे मियामी कंपनी को ही ले लीजिए, इनकी खासियत ये है कि ये ऑर्गेनिक स्मोक बनाती हैं, जो कि काफ़ी यूनिक है, और इसके लिए इन्हें इनाम भी मिला। अभी हमने नया प्रोडक्ट ऑर्गेनिक स्मोक्स लॉन्च किया है मार्केट में, डेट इज़ टबैको फ्री हर्बल है ये, जिससे स्ट्रेस और कोल्ड दूर होता है, और इसमें तुलसी, ग्रीन टी और स्पेयरमेंट लीव्स और मेंथोल यूज़ किया है हमने, जो कि टबैको इसमें बिल्कुल नहीं रहता, तो टबैको यूजर जो है इसको यूज कर सकते हैं अपनी क्विट करने की हैबिट को खत्म करने के लिए। भारत अब दुनिया के बाजार में अपनी एक अलग पहचान बना रहा है, विदेशी कंपनियां भी कारोबार के नजरिए से भारत को बेहतर मान रही हैं, जो आर्थिक रूप से हमारे लिए अच्छा है।
आहार मेले को ठीक से चलाने के लिए कई हॉल और हैंगर तैयार किए जाते हैं, जिससे अपनी स्टॉल लगाने आई कंपनियों को बराबरी का मौका मिल सके। सबसे बड़े माने जाने वाले हॉल नंबर 18 में रेडी टू ईट कंपनियों का दबदबा रहा, यानी ऐसे खाद्य जो लगभग बने बनाए आते हैं उन्हें बस 2 मिनट में आप पका सकते हैं, जिसमें कई कंपनियां अपने नए नए प्रोडक्ट को लेकर आई थी, जिसका जायका लेने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ती नजर आई। सबसे ज्यादा भीड़ नजर आई वेजली के पास, और हो भी क्यों ना, इस कंपनी की खासियत ही कुछ ऐसी है। इस कंपनी के सारे प्रोडक्ट सोयाबीन से बने थे और स्वाद में तो माशाअल्लाह क्या कहना वेजली का। सोया बेस्ड प्रोडक्ट बनाती है सारे, सोया के अंदर काफ़ी रेंज है, जैसे कि आप देख सकते हैं एक सर्टन रेंज है जो नॉन वेज का सब्स्टिट्यूट है, उसमें काफ़ी सारी वैरायटी हैं, जैसे सोया का लेग पीस है, सोया शामी कबाब है, सोया सीख कबाब है, ये सारी आइटम ऐसी हैं जो नॉन वेज का सब्स्टिट्यूट है। इनकी न्यूट्रिशन वैल्यू भी काफ़ी बेटर है, एक सर्टन एज के बाद डॉक्टर कहते हैं कि नॉन वेज कम कर दीजिए, उस समय आप नॉन वेज को वेजले के पास आ सकते हैं, क्योंकि वेजले के पास ऐसी वो सारी रेंज है जो एक नॉन वेज का सब्स्टिट्यूट है। आहार में कुछ कंपनियां ऐसी भी थी जो आंखों को ठंडक दे रही थी। जी हाँ, मैं जूस और शरबत की बात कर रहा हूँ, जैसे माला। ये कंपनी कई सालों से फलों से बने उत्पाद बनाती है, जैसे जूस, जेली, शरबत और केक, जिन्हें चखने में लोगों को भी खासा मजा आ रहा था। ये हमारी कंपनी 1958 से है। वी आर इनटू जैम्स, जेलीज, सिरप्स। ये वी हैव अ मॉकटेल रेंज हियर व्हिच हैज बीन रिसेंटली डेवलप्ड। इट उसकी एक्सेप्टेंस काफ़ी अच्छी है इन द इंटरनेशनल मार्केट एज वेल एज द डोमेस्टिक मार्केट। सो हमारा फोकस रहा है ओनली फ्रूट्स, सो यू नो वी ट्राई एंड यूज़ फ्रूट्स इन एवरी प्रोडक्ट दैट वी मेक। सो देर इज़ नथिंग सिंथेटिक दैट वी रियली डू, एवरीथिंग इज़ फ्रूट बेस्ड। आहार में ये पार्टिसिपेशन ये हमारा दिस इज़ द 7th ईयर इन सक्सेशन। इट्स अ गुड मीटिंग पॉइंट, एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। आहार में ऐसी कई बड़ी कंपनियों ने भाग लिया जिन्हें अक्सर हमने और आपने टीवी पर देखा होगा। ऐसी ही एक जानी मानी कंपनी है पंसारी, जो अच्छी किस्म के चावल, आटा, तेल जैसे खाद्य पदार्थ बनाती है, जो कई सालों से आपके और हमारे घरों के खाने का जायका बढ़ा रहे हैं। We are the leading manufacturers of edible oils, all kind of edible oils. We have manufacturing units in Calcutta and in Rajasthan, and with a combined capacity of over 700 metric ton per day. That's like not per month, per day. We have institution sales to Nestle, Parle, Priya Gold, everywhere, Haldiram, Bikano, and we have our own brand with a range of, as you can see, Pansari, Purti, and Oriel. Rest, we are also exporting. We are doing third party exports to different countries. This is the fourth time we are participating in Pragati Maidan trade fairs. And I think there's a good response altogether. ITPO के इस मेले में कुछ ऐसे उत्पादों की प्रदर्शनी भी लगी थी जिसे बनाने में आमतौर पर ज्यादा समय लगता है और मेहनत भी, जैसे राजमा। वाई कुक एक ऐसी कंपनी है जो कि राजमा और भुट्टे से खाने की ऐसी चीजें बनाती है जिसे एक रात भिगोने की जरूरत नहीं, आप सीधे ही इन्हें इस्तेमाल कर सकते हैं और समय और मेहनत दोनों बचा सकते हैं। हमारा एक टीम है जिसमें हम फार्मर्स के साथ काम करते हैं, और एक टीम है जो हमारे मॉडर्न रिटेल के साथ काम करती है, और एक टीम है जो प्रोडक्ट रिसर्च करती है। तो ये सारे टीमों के साथ हमने जुड़ के एक बड़ा सा एक कंपनी बनाया है जिसका नेम वाई कुक है, और हमारा ब्रांड नेम जो है, वी हैव कम विद अ ब्रांड नेम कॉल्ड एज टडा। टडा इज़ अ मैजिकल वर्ड। हमने अगर आप बच्चों के सामने कुछ चीज़ करके बोलेंगे टडा, दैट इज़ व्हाट वी आर। वी वॉन्ट टू गिव दैट कन्वीनियंस, यानी हम एक स्टेप आगे आके हमने सोचा कि जो भी काम करने वाले हैं, आजकल की जो फैमिलीज़ हैं, न्यूक्लियर फैमिलीज़ हैं, दोनों काम कर रही हैं, उनके पास टाइम कम होता है, एंड दे आर नॉट फाइंडिंग द टाइम टू प्रिपेयर प्रॉपर फूड। तो हमने क्या किया है, तो वी वांट टू ईज दैट एंड वी वांट टू गिव दैट कन्वीनियंस फैक्टर टू द पीपल। जहाँ तक नजरें दौड़ाई, बस खाना ही खाना, हर तरह का खाना, लोगों ने इस मेले का खूब फायदा उठाया। मेले में कुछ कंपनियां ऐसी भी थी जिनका व्यवसाय अभी हाल ही में बाजार में उतरा था, जैसे आयुष, एक ऐसी कंपनी जिसने नया नया बिजनेस शुरू किया जो कि भुने हुए चने, तली हुई मूंगफली और सत्तू जैसे उत्पाद बनाती है। इनके बनाए गए उत्पाद भी लोगों को खूब लुभावने लग रहे थे। बेसिकली हम रोस्टेड बारले और रोस्टेड चने का सत्तू मैन्युफैक्चर करते हैं, और यहाँ हम आहार में फर्स्ट टाइम पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जिसका हमें बहुत ही अच्छा रेस्पॉन्स यहाँ पे मिल रहा है। ऑल ओवर इंडिया के बायर्स हमसे मिल रहे हैं, और वी आर वेरी गुड एबल टू एक्सपेंड अवर बिजनेस फ्रॉम हेयर।
and the dealers from even outside of the India are also contacting us for the distribution. आहार में घूमने आए लोगों ने प्रदर्शनी में लगे व्यंजनों का स्वाद लिया। साथ ही कुछ लोग आहार में पहली बार घूमने आए थे। वहीं बहुत से लोग पहले भी इस मेले के जायके का आनंद ले चुके हैं। आहार का लुत्फ लेने आए कुछ लोगों ने अपने अनुभव हमारे साथ साझा किए। मुझे पता चला अभी जहाँ प्रगति ग्राउंड में मेला चल रहा है, देखने आए हैं। इधर आके मेले में काफ़ी सारी सभी जगह घूम के देखा, बहुत बढ़िया लगा। देश से वक् वक् तरह की नई नई तरह की जो मतलब चीज़ें प्लांट हुई हुई हैं, वक् वक् माध्यम के तौर पे उनको देखा। इनके अनुभव से ये बात तो साफ है कि आहार मेले का आयोजन कई मायनों में खास है। खाना हम रोज खाते हैं, पर हर दिन क्या अलग पकाएं, ये हर घर की एक समस्या है। ऐसे मेले एक तरफ जहां रोजगार व्यापार से जुड़े लोगों के लिए अच्छा साधन बन रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ ये मेले रोज क्या नया और पौष्टिक पकाएं इसके तरीके भी बताते हैं। मेले में होटल और रेस्टोरेंट क्षेत्र और पर्यावरण पर भी प्रदर्शनी रखी गई। इस मेले में फल, सब्जियां, डेयरी, बेकरी, जैविक और स्वास्थ्य उत्पादों से जुड़े व्यवसायों की प्रदर्शनी के अलावा मशीनरी उद्योग से संबंधित स्टॉल्स का भी अपना ही रुतबा है, जिसमें पैकेजिंग से लेकर खाद्य सामग्री बनाने वाली मशीनरी के उत्पादों को भी सुसज्जित तरीके से दिखाया जाता है। और एक ऐसी ही कंपनी है जिसका नाम है हाई पैक फील एंड मशीन, जो नमकीन, चिप्स और अन्य खाद्य पदार्थों को भी पैक करने की मशीनें बनाती है। हम इस लाइन में लास्ट 23 ईयर से हैं। हम कंप्लीट पैकिंग सॉल्यूशन देते हैं, चाहे ग्रेनुलर आइटम हो, पाउडर आइटम हो, लिक्विड आइटम हो, और हम इस आहार में लास्ट 7-8 ईयर से पार्टिसिपेट कर रहे हैं। रेस्पॉन्स अच्छा है और इस साल बहुत अच्छा है। ये टी डिपर मशीन है, जैसे डिपर वाली आती है वो वाली, पाउडर वाली मशीन है, उसके बाद मल्टीवेयर मशीन है। जो मल्टीवेयर मशीन है ये मोर साइंटिफिक मशीन है, इसमें आप चिप्स, नमकीन, कुरकुरे, ड्राई फ्रूट्स, एनी ग्रेन आइटम पैक कर सकते हैं। ऐसी ही एक दूसरी कंपनी है जो खाद्य पदार्थ बनाने वाली मशीनें बनाती है, लेकिन इन्हीं सब के बीच लोगों की भीड़ की नजर एक ऐसी चीज की तरफ पड़ी जो वाकई काबिले तारीफ थी। वो थी ऑयल एक्सपेलर मशीन, जिससे आप घर बैठे अपने आप फसलों का तेल निकाल सकते हैं। सबसे खास बात ये थी कि ये मशीन साइज में तो छोटी थी ही और दाम में भी काफी किफायती थी। हमारा कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करता है पोटैटो चिप्स मेकिंग मशीन्स, नमकीन मशीनरीज, बनाना चिप्स मशीन्स, होटल्स एंड ड्राई फ्रूट्स कटिंग मशीनरीज, और ये एक नया प्रोडक्ट लेके आए साथ में, ऑयल प्रेस मशीन, उसका भी रिस्पांस अच्छा है इस साल में। और ये हमारा तीसरा एग्जीबिशन है आहार के लिए, जिसमें हमें काफ़ी अच्छे क्लाइंट्स मिल रहे हैं और क्लाइंट बेस भी अच्छा है, और कंपनी के ओनर्स वगैरह भी यहाँ पे आ रहे हैं, तो इस वजह से हमें डायरेक्ट डिस्प्ले करने का मौका भी मिल रहा है। इस मेले में पर्यावरण से जुड़ी चीजें भी थी, जैसे सुपारी की छाल से बने बर्तन, बांस से बनी चीजें और बहुत कुछ। साथ ही एक ऐसी मशीन भी थी जो हवा को शुद्ध करने का काम करती है। एटलांटा हेल्थ केयर इस मशीन को पहली बार भारत में लेकर आई है। साथ ही उन्होंने ऐसे मास्क भी बनाए हैं जो बाहर हमें प्रदूषण से भी बचा सके। Atlanta Healthcare is India's leading air quality management company, and our core purpose is helping people breathe pure. So we have a host of products which help you breathe pure, from air quality monitors which help you detect what's wrong in the air. We have a range of air purifiers which help you understand and implement solutions for purifying the air. And we also have very high-end N99 pollution masks made from British military technology, which help you protect yourself from extreme pollution when in an outdoor environment. आहार में कुछ चीजें ऐसी भी थी जो बेहद आराम देने वाली थी, जैसे बर्तन धोने वाली मशीन, सब्जी काटने के कटर, आटा गुथने वाली मशीनें और बहुत कुछ। लेकिन सबसे मजेदार चीज जिसको साफ करने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है, और वो है बाथरूम। एक्सेल इंटरनेशनल वही कंपनी है जो आपकी इन्हीं मुश्किलों को हल करने का प्रयास कर रही है। एक्सेल इंटरनेशनल ने पहली बार अपने प्रोडक्ट्स को भारत में उतारा है। We are a group specialized in importing and distribution of hygiene and cleaning products with offices in Middle East and India. Now we are participating for the second time in AHAR
एंड रेस्पॉन्स अच्छा मिले ही है। आराम की बात हो तो गद्दों को कैसे भूला जा सकता है। आहार में कई ऐसी प्रदर्शनी भी थी जो रूम डेकोरेशन की चीजों को लेकर आई थी। साईं सिद्धेश्वरी उन्हीं कंपनियों में से एक है जो राजाशाही होने का एहसास दिलाती है। इनके द्वारा बनाए गए सोफे, डाइनिंग टेबल बेहद खूबसूरत और आकर्षक डिजाइन वाले थे। हम लोग पूरा टीक वुड का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, हैंड कार्व्ड है। प्रोडक्ट रेंज है 7.5 लाख से 11 लाख तक है और हमारा ये दूसरा एडिशन है, दूसरा साल का पार्टिसिपेशन है आहार में और रेस्पॉन्स इज गुड। खूबसूरती की बात की जाए तो आर्ट एंड क्राफ्ट की प्रदर्शनी ने विजिटर्स का ध्यान खींचा। कला और सुंदरता को संजोए हुए कई चीजों पर आंखें ठहरती गई। शादी की सजावट में 4 चांद लगाने वाली चीजों की भी भरमार थी। ऐसी ही एक कंपनी थी टेंट बाजार, जो नई नई और आकर्षक सजावटी चीजों को लेकर प्रदर्शनी में आए थे। We've been rising up to this platform so that we can expand our business. हम आहार इसलिए लगाते हैं बिकॉज हमें बहुत ज़्यादा स्कोप मिलता है, बहुत सारा बिजनेस मिलता है और हम आहार में तब से पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अप्रॉक्सीमेटली 8 to 10 years हमें आहार में पार्टिसिपेट करते करते हो गए हैं। हम लोग लास्ट 6 years से आहार में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। हमारी रेंज आप देख रहे होंगे, ड्राई फ्रूट बॉक्सेस, स्वीट बॉक्सेस और सारा पैकिंग के सारे सॉल्यूशंस हैं हमारे पास में। आर्ट एंड क्राफ्ट के साथ साथ होटल मैनेजमेंट की प्रदर्शनी भी देखने को मिली। प्रदर्शनी में कई होटल इक्विपमेंट और खास तरीके के तंदूर और मेटल के बर्तन भी थे। लोगों का रुझान भी इन चीजों को देखने में मिला। प्रदर्शनी में एक दिल्ली किचन इक्विपमेंट कंपनी जो नए तरीके के तंदूर लेकर आई थी, साथ ही अपने आप को तंदूर वाला कहकर परिचित कराया। मैं तंदूर बनाता हूँ, आई एम मैन्युफैक्चरर ऑफ तंदूर। तंदूर काफ़ी वैरायटी में है मेरे पास, जैसे कॉपर का है, SS में है। ये पूरे होटल इक्विपमेंट में सप्लाई करता हूँ। मैं 8 से 10 साल से आ रहा हूँ और अच्छा बेनिफिट मिलता है यहाँ पर। काफ़ी डिफरेंट लोग आते हैं, उड़ीसा से, अपने इंडिया से भी आते हैं, बाहर से भी लोग आते हैं। मैं किचन इक्विपमेंट और होटल वेयर की सारी आइटमें 80% बनाता हूँ, 20% मेरी ट्रेडिंग है। मेरे पास नए नए ब्रांड्स, नई नई कंपनियां और नए नए तरीके की प्लेटर्स, थाली, सेफिंग डिशेज एंड होटल वेयर की सारी कटलरी एंड बार आइटम्स होते हैं। और आहार में आकर हमें बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पर बाहर से आए हुए जो लोग आते हैं उन्हें भी हमारे प्रोडक्ट के बारे में बहुत अच्छा लगता है। इस मेले का आयोजन केवल मनोरंजन नहीं, इस मेले का खास उद्देश्य है कि व्यापार के रास्तों को और आसान किया जा सके, साथ ही सीधे तौर पर कंपनियों से मिलकर नई तकनीक, नए उत्पाद और अपने बजट के अनुसार अपनी जरूरत की चीजों को बिना किसी दलाली के सीधा व्यापार कर सकें, जिससे उन्हें सही उत्पाद प्राप्त हो सके और लागत भी कम लगे। मेले में कुछ लोग ऐसे भी थे जो अपने व्यवसाय से जुड़ी चीजों को देखने के लिए मेले में शिरकत किए हुए थे। आहार में मैं दूसरी बार आ रही हूँ, इसके पहले भी लास्ट ईयर भी हम लोग आ चुके थे और हम लोगों का बैंक्वेट है तो उसके हिसाब से हम लोग यहाँ पर खरीदी करने आते हैं। सो परचेसिंग के लिए काफ़ी सारी चीज़ें होती है। वी गो फॉर द बैंक्वेट नेसेसरी थिंग्स लाइक चेयर कवर्स है या फिर आपके शेफिंग डिशेस है, तो काफ़ी सारी वैरायटी है। आहार मेला, वाकई जैसा नाम वैसा ही काम। स्वादिष्ट भोजन, वो भी 2 मिनट में, कम से कम खर्च में। घर में रोज का खाना बनाना हो या चाहे ढाबे का लजीज खाना या फिर किसी 5-स्टार होटल में मेहमान नवाजी का खाना, क्या बनाना है, कैसे बनाना है, इन सब दिक्कतों का एक समाधान आहार मेला। आइए और नए व्यंजनों को चखने से लेकर पकाने तक का लुत्फ लीजिए।